अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक और खैरियत से होंगे आप लोग। और आज लास्ट रोज़ा है हमारा और आप लोगों का तो बल्कि गुजर चुका होगा। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों का रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। हमारा भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। अब बस ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, इसीलिए मैं आज चली गई थी गोश्त वग़ैरह लेने के लिए, लेग पीसेज और इस तरह की चीज़ें। और बहुत ही रश था वहाँ पर, क्योंकि डेफ़िनेटली सारे मुसलमान कम्यूनिटी आई हुई थी मीट वग़ैरह लेने के लिए और इस तरह चीज़ें लेने के। तो ये सारी चीज़ें अब रखने के बाद मैं जाऊंगी पिज़्ज़ा प्लेस, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि गोश्त और बहुत सारी जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं रख लूँ पिज़्ज़ा प्लेस पे, क्योंकि आज बहुत शदीद किस्म की गर्मी थी और मैं नहीं चाह रही थी कि गाड़ी में ये चीज़ें ख़राब हो जाए, क्योंकि इसके बाद मेरा प्लान था ग्रोसरीज़ वगैरह करने का। तो बस फिर अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ और यहाँ पर जो ऑर्डर आया हुआ था वो बस रिकॉर्ड करके आप लोगों को हम दिखा देंगे और आप लोग इन्जॉय करें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इनका ऑर्डर आया हुआ था पिज़्ज़े का, तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं। आज तो आवाज ऊंची है ना। आज ऊंचा बोलना भाई। आखिरी रोज़ा है, बल्कि रोज़े हाँ आज हमारा आखिरी रोज़ा है और कल चांद रात है इंशाल्लाह। नहीं क्या हो गया, आज आखिरी रोज़ा है और आज ही चांद रात है और कल ईद है। ये अभी ऑर्डर आया है, कौन सा ऑर्डर है? आपके मुकद्दर से सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर आया है। सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा, ये तो कोई भी बना लेगा। ये ऑर्डर आ गया है अभी, जो कि तैयार हो रहा है इस टाइम पे। सिर्फ और सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा है ना, कोई और चीज़ ऊपर नहीं डालनी। ये क्या डाल रहा है? पेपरोनीज डाल रहे हैं। कुछ बोलो, क्या कुछ तो बोलो। यार कैमरा इस तरह अकेला इस तरह अच्छा नहीं लगता। कुछ बोलो, कुछ बोलो ना। तुम्हारी कैब कहाँ है आज? होनी चाहिए, बहुत गर्मी है इधर। जरूरी है, होनी चाहिए। हाँ यहाँ 90 पर टेम्परेचर है, चिपकती है ना ग्लव्स के साथ। पिज़्ज़ा कितने मिनट में बनता है, बड़ा छोटा सारे? स्पीड अभी ये 4 मिनट में। अभी ना मारो, सही बताओ। देख लो, 4 मिनट में बन, 2 मिनट में बना। ओहो नहीं, वो लाइक बेक कितने, ये फ्रीजर है भाई अंदर, यहाँ पे माल पड़ा होता है सारा, ये सारा का सारा फ्रीजर पोर्शन है। और ये डोज वगैरह तैयार होती है, पड़ी होती हैं स्मॉल मीडियम और लार्ज और पार्टी साइज की। और बाकी सारी चीज़ें ये जरिए लाइक ये पूरा फ्रीजर वाला कमरा है। हाँ ये वॉक इन फ्रीजर है, इसको अगर हम बंद कर दें। तुम बोलो ना, वैसे तुम्हारा काम है ना। वॉक इन कूलर है। अच्छा, ये वॉक इन कूलर है। चलो ये मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। मेरा कमरा जी, ये पिज़्ज़ा नहीं है, ये कोई चीज़ बना रहा है। क्या बना रहे हो? ऐसे ही सिनेमन बाइट्स बना रहे। सिनेमन बाइट्स बना रहा है। तो एक्चुअल वीडियो ऑफ सिनेमन बाइट्स की होगी, है ना? ये पिज़्ज़ा डो ही है। इसको इस तरह छोटा सा से लेने, जहाँ से मर्जी है ले। नहीं, पिज़्ज़ा डो की रेसिपी मैं बताऊँगी। इस तरह हमने कटिंग कर ली इसकी। अच्छा, इसको साइडों का हटा दिया। साथ साथ एक्सप्लेन प्लीज़। ये ऐसे काट लेना। ये भी बेक होगा देर नहीं होता, लोगों को बताते होते हैं कि कितनी देर है। इतना पिज़्ज़ा चला रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। मेरे व्यूअर्स को सही सही बताओ। ये लार्ज मैक एंड चीज है, ये मैक एंड चीज है। ये भी तैयार पड़ी हुई होती है। तैयार पड़ी होती है, हम गरम करते हैं। अच्छा, ये लोग तैयार कर देते हैं जैसे ही ऑर्डर आता है, तो बस इसको गरम करके दे देते हैं। मैक एंड चीज।
अच्छी सी बात बताओ। आप सब घर में कुकिंग किया करें, अपनी माँ की हेल्प किया करें। अच्छा, सिर्फ माँ की? हाँ, माँ ही थकती रहती है। अच्छा, और हस्बैंड की भी मेरी तरह। हाँ, हस्बैंड के पेट फुल रखा करें, मेरी तारीफ करो। अच्छी कुकिंग किया करें। मेरी कुकिंग कैसी है? सच बताओ, दिन में एक दफे नसीब होती है और उस वक्त बहुत भूख लगी होती है। मेरे व्यूअर्स क्या सोचेंगे मेरे बारे में? बहुत अच्छी, बस मेरी अच्छी कुकिंग है। मुझे भी सारी कुकिंग आती है, लेकिन ये करता नहीं है मेरे लिए। इधर पूरा दिन करता रहता हूँ, फिर घर में जाके सीखने। कल आपको इंशाल्लाह बारबेक्यू करके बताएंगे। तुम करोगे? रात को चलो जल्दी आना। रात को मैं, कल हम लोग ईद बारबेक्यू करेंगे इंशाल्लाह रात को, तो वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तब तक हमारा पिज़्ज़ा बन रहा है और हम यानी गोंगिया मार रहे हैं। लेकिन नहीं, अच्छी बातें कर रहे हैं, हेल्प किया करें, क्योंकि मैंने भी नहीं की किसी की भी, और अभी कर रही हूँ। ये हो गया, अब क्या करना है? बस इसको बंद कर देना। मैक एंड चीज़ तैयार। बना के रखी है, ये भी इन्होंने बना के रखी होती है, जैसे स्पेगेटी वगैरह बॉयल कर देते हैं। लार्ज एंड स्मॉल कंटेनर्स, कोई मसाला कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ चीज़ एंड खा कैसे लेते हैं? मैंने ये नहीं खाया कभी। अभी ये थोड़े से हो जाए ना, इनको अब हम एक और तरीका करेंगे थोड़ी देर तक, मैं आपको बताता हूँ। पिज़्ज़ा जब यूँ फूलने लगे तो, स्टोन ओवन होता है ना, इसमें ये बबल्स आ जाते हैं लोग की तरह से, फिर आपको इस तरह बबल्स निकालने होते हैं। अगर बबल्स ना निकालें तो? बबल ना निकालें बुरा लगेगा ना। स्टोन ओवन भी होता है, क्योंकि मैं जब घर में बनाती हूँ फिर नहीं होता, क्योंकि वो जो दूसरे कन्वेयर ओवन होते हैं उनमें वो 6 मिनट में पिज़्ज़ा बन जाता है बस। 6 मिनट में तो मेरा कभी नहीं बना। कमर्शियल की बात है, बाहर की बात, इतने इतने फूल जाए ना ये डो, इतनी इतनी फूल जाए। फिर इसको आप ऐसे ले लें फ्रायर वाला कंटेनर, इसको फिर आप ऐसे, ये हम लोगों ने फ्रायर वाला जिसमें फ्राइज वगैरह बनाते हैं अब उसमें डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। ठीक है, जब ये इतने भूल जाएं, देख लें अंदाज़ा लगा रहे हैं ऐसे भूल जाएं, अब ये क्यों छोड़ें? होते हैं ना, चलो छोड़ें इसको, फ्राई करें। देर से बोल रहे हैं, वीडियो ही निकाल। अच्छा, ये इसको दबा के लाजमी रखना है किसी चीज़ से ऊपर, नहीं तो ये घूमते रहेंगे, फ्लिप करते रहेंगे और ये बनेंगे नहीं। इसीलिए इसने इसको इस चीज़ से दबा के रख दिया। घर में भी किसी चीज़ से दबा के रखना, ताकि वो अच्छे से दोनों साइड से बन जाए, है ना। ये कौन सी शुगर है? ये बिल्कुल पाउडर है, ये तो हम लोग ने तो चलो ये लिए, अगर दूसरी है तो वो बंदा ग्राइंडर में कर सकता है ना पाउडर, ये कर सकता है तो ठीक है। ये लें शुगर, और इधर मेरे पास पड़ा हुआ है ये सिनेमन पाउडर है। सही होगा, ये शुगर तकरीबन आप डालें 75%, और 75% शुगर, सिनेमन डालें आप 25%, 25% सिनेमन को मिक्स किया हुआ है मैंने यार, मिक्सर बना हुआ, मिक्सर बना के। अच्छा, ये रखा हुआ है मिक्सर बना के, बटर सिनेमन और शुगर का। ज़्यादा करेंगे सॉफ्ट नहीं, बस इस तरह लाइट ब्राउन से हो जाए तो ठीक है, वरना ये अंदर से सख्त हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे। स्वाब आप ऐसे डाल लें इसके कंटेनर के अंदर, किसी भी कंटेनर, मिक्सर बनाया होगा वो ऐसे ऊपर स्प्रिंकल कर दें जी बस। ठीक है, हमारी क्या तैयार होती है? सिनेमन बाइट्स। तो ये भी, इसके भी ऑर्डर्स वगैरह आते रहते हैं? हाँ आते रहते हैं। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी मैं आप लोगों को नीचे बता दूंगी, तो सेम वही है ये, आप चाय के साथ खाएं बड़े मज़े, याद आ रहा होगा वैसे इस टाइम पे चाय। ये हमारे मज़ेदार से गरम गरम सिनेमन बाइट्स तैयार,
cinnamon and sugar bites. How is it? What was that, Amira? Mustafa, how do you eat it? Tell me. और गार्लिक पाउडर डलता है और ये दाने दाने ओरिगैनो लीव्स और बस ये तीन चार चीजें मिक्स करके बटर के अंदर ये लोग रख देते हैं तो इसके ऊपर गार्लिक फिर लगा देते हैं ये क्रश पे लोगों को थोड़ा ये परमाजन ये सरस ये लोग खुद बताते हैं डालते हैं हर चीज़ पे हर चीज़ स्नो कर इसके ऊपर स्नो कर देते हैं स्नो ये तैयार हो गया जी ऑर्डर मैक एंड चीज़ पिज़्ज़ा और साथ और कुछ भी नहीं उन्होंने मंगवाया बस ये तो इसके बाद मैं आ गई हॉरक्स क्योंकि मैंने कुछ घर की ग्रोसरीज़ वग़ैरह करनी थी ईद के लिए और बस फिर इसके बाद मैं और मुस्तफ़ा घर चले गए और मुस्तफ़ा आज आप लोगों को मास्क में नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से इसने आज मास्क फाइनली पहन लिया और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि चलो मेरी मेहनत रंग ले आई है तो खैर ये सब कुछ करने के बाद फिर मैं घर चली गई और मेरा दिल था कि मैं आपको लंबा हर चीज़ दिखाऊं किस तरह मैं ईद की तैयारी कर रही हूं लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में क्योंकि ऑलरेडी ये व्लॉग बहुत ही बड़ा हो चुका है सिनेमन बाइट्स की वजह से तो खैर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को पिज़्ज़ा डो की रेसिपी बताऊँगी इनकेस अगर आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई करनी है अब दीजिए मुझे इजाज़त अब मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ ईद मुबारक सबको मेरी तरफ़ से